विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, सभी कैंडिडेट अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से अपने कैंडिडेट उतारे हैं, लगभग जो माना जा रहा था गठबंधन के कहीं ना कहीं जीत होगी, उसके समीकरण बिगड़ चुके हैं। अगर मेरठ के शहर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी रफीक अंसारी सिटिंग MLA है, लेकिन अब उनका गणित बिगड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने हाजी दिलशाद शौकत को मैदान में उतारा है। इस सीट के समीकरण की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दलित और मुस्लिमों का जो आंकड़ा है 54% है। ऐसे में यहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट आराम से निकल जाता है, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के आने के बाद समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। और जो माना यह जाता है कि जो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट होता है दलित प्लस मिलते हैं, ऐसे में कितनी मेहनत इनको करनी पड़ेगी और किस तरीके से चुनाव में मैदान में उतरेंगे, किस तरीके से जीत हासिल करने की रणनीति है, मेरे साथ खुद बात करने के लिए यहाँ पर हाजी दिलशाद शौकत मौजूद है। सर, सबसे पहले न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। सर, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में उतरेंगे और क्या आपकी रणनीति है? हमारा मुद्दा तो यही है कि आपने देखा होगा कि जो आपके क्षेत्र में जो है पूर्व जो नेता रहे हैं उन्होंने क्या विकास कराया है। हमारे समाज के विधायक होने के बाद भी आपने देखा होगा कि कितनी आपकी स्थिति, रोडों की क्या स्थिति है, जितना विकास क्या क्या विकास कराया है, आज तक जो है कोई विकास नहीं है, सिर्फ कागजों में विकास किया है, बाकी जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया, लोगों से संपर्क नहीं किया, मुलाकात नहीं की, तो कार्य कहाँ से होगा? जब लोगों की सुनोगे नहीं तो मिलोगे कह के नहीं, तो काम कहाँ से करेंगे आप? देखिए दिलशाद भाई, बहुजन समाज पार्टी पहले भी मैदान में थी, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी से सीट पर आप हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उससे पहले भाजपा के भी रहे, लेकिन ये इलाका शहर का इलाका होने के बावजूद भी पिछड़ा। हालांकि अब आपके एलिगेशन में आरोप है कि काम नहीं कराया, काफ़ी विरोध यहाँ पर जो विधायक हैं रफीक अंसारी उनका यहाँ देखने को मिल रहा है, तो कितना फ़ायदा आपको उस विरोध का यहाँ पर मिल सकता है? देखिए, मैं फ़ायदे और नुकसान की बात नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोग जो है लोगों में खुशी की लहर दौड़ी हुई है, और जो मुझे लोगों का समर्थन मिल रहा है, मुझे सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, और काफ़ी जो है उसमें हिंदू मुस्लिम जो है वो सभी वोट मुझे मिल रही है, और एक तरफा इंशाल्लाह जीत आपकी है। अच्छा दिलशाद भाई, मुझे बताइए, अगर विधायक आप बनते हैं तो ऐसे कौन से काम होंगे जिनको सबसे पहले आप कराना चाहेंगे? आपकी नज़रों में ऐसे कौन से यहाँ पर काम है जो होने चाहिए? चूंकि देखा यह भी गया है कि जो शहर विधानसभा क्षेत्र में कब्रिस्तान पड़ते हैं उनमें भराव की बात अगर की जाए तो लगातार लोग मांग करते रहे, अपने पैसों से भराव कराना पड़ा, लेकिन विधायक ने भराव नहीं कराया, बल्कि आरोप ये लगे लोगों के पैसे से कराए गए भराव को उन्होंने अपना दर्जाया, इस तरह के आरोप उन पर लगे, और शायद यही उनके खिलाफ जो लोगों का विरोध है इस तरह से बन रहा है। देखिए, मैं शहर विधानसभा के लोगों से एक बात मेरी अपील रहेगी, एक अपील मेरी रहेगी कि यदि जैसे कब्रिस्तान की बाउंड्री का काम है, भराव का काम है, या मेरे लायक कोई भी खिदमत होगी, मैं एक नेता नहीं बल्कि खादिम के रूप में इंशाल्लाह काम करूंगा, और सुबह 9 बजे के और रात को 3 बजे तक मैं जागता हूं। मेरी विधानसभा के किसी भी आदमी को मेरी किसी टाइम ज़रूरत पड़ेगी तो उसके साथ मैं पहुंचूंगा और उसका काम कराऊंगा, और इंशाल्लाह जितना ये स्थिति अपने शहर की ख़राब है, बिल्कुल जो हमारे मुस्लिम समाज में मान लीजिए आप, तो शिक्षा की कितनी कमी है, और आप पूरा क्षेत्र देख ही रहे हैं किस तरीके से टूटा हुआ है, हर जगह गड्ढे हैं, तो इंशाल्लाह उस पर कार्य करेंगे, जो रोडों को गड्ढा मुक्त करेंगे और शिक्षा पर ध्यान देंगे, स्कूल खोलेंगे, हॉस्पिटल खुलवाएंगे। यहाँ पर आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शहर विधानसभा, चूँकि मेरठ की शहर विधानसभा है, यहाँ पर बड़े बड़े स्कूल कॉलेज तो है नहीं, आसपास चले जाएँ, कैंट में हैं, उधर साकेत में पढ़ता है, उधर हैं, तमाम जगह है, लेकिन ये शिक्षा के मूलभूत जो सुविधाएँ हैं, शिक्षा, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली तो बेहतर थी पहले भी, शायद अभी भी बेहतर है, लेकिन महंगाई बहुत है, बिजली के साथ साथ अन्य चीज़ों में महंगाई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ये वादा कर रही है कि महंगाई खत्म कर देंगे, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, लेकिन क्या लगता है आपको इस महंगाई, जो महंगाई बढ़ी है, इससे आप जो भी विपक्षी पार्टी है उनको फायदा होगा, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई बढ़ी हुई है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी जो है आई है तब से जो है हर चीज़ के रेट 2 गुना 3 गुना हो गए हैं, और मेरा विधायक चुने जाने के बाद में सबसे पहला एजेंडा ये रहेगा कि जो महंगाई बढ़ी है उसे उसी स्तर के लिए उसकी लड़ाई लड़ूंगा कि उसी स्तर पे वो हो जाए। जैसे हमारा बुनकर समाज है जो 300 रुपये का बिल जमा करता था, आज वो 3000 रुपये का बिल जमा कर रहा है, तो सबसे पहला मेरा एजेंडा ये रहेगा जितने बिजली पे, हाउस टैक्स पे, और
जिन जिन चीज़ों पे जो है ये रेट बढ़ाए गए हैं उन रेटों को उसी स्तर पे लाने का काम करूँगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि देखा जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जाति के आधार जाति का चुनाव होते हैं, अगर कोई कैंडिडेट अंसारी है तो अंसारी वोट पड़ जाएगा, सैफी है तो सैफी वोट पड़ जाएगा, लोकसभा में विधानसभा तमाम जगह देखा जाता है, पूर्व में देखा गया था यहाँ से आजाद सैफी को उतार दिया गया अचानक से ला करके पूरा जो है समीकरण बिगड़ गए, तो क्या मानते हैं कितना फैक्टर इसमें काम करता है इस तरीके के? देखिए पहले हमने जो है लोगों में देखा कि जैसे जिस तरीके से जातिवाद होता था अब लोग समझदार हैं, शिक्षित हैं और इस चीज़ पे ध्यान भी दे रहे हैं कि उन्हें क्या नुकसान हुआ, बिरादरीवाद में बंटने का कितना बड़ा नुकसान हुआ वो हमें पता और लोगों को पता है, अब लोग समझदार हैं, अब इस तरीके के लोगों का जहन नहीं है, अब जीतते हुए प्रत्याशी को लोग मन मना हुआ है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ उनका कहना ये है कि जीतते हुए प्रत्याशी को हम जिताएंगे और हर समाज की मुझे वोट मिल ली है, ऊपर वाले ने चाहा तो सर्व समाज की वोट लेके और कामयाब। कितनी सीटें आ रही हैं बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में, कोई आइडिया? देखिए बहुजन समाज पार्टी की अब से पहले भी जो है आपने देखा होगा कि मीडिया क्या दिखा रही थी, ओपिनियन पोल फेल हो गए, ओपिनियन बिल्कुल पोल फेल हुए और बहुजन समाज पार्टी वजूद में आई, सरकार बनाई और अब के भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह साइलेंट हैं, क्योंकि जब मुखालिफ जो है मुखालफत करता है तो वो सब चीज़ मैनेज करके ही करता है और अब आप देख रहे हो वो किन लोगों ने मैनेज करा हुआ, हर चीज़ को मैनेज कर रखा है, तो बहुजन समाज पार्टी को पहले की तरह आज भी जो है कम सीटें दिखा रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये है बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी और सरकार बनाएंगे फिर। आप कितनी वोटों से जीत जाएंगे? देखिए वोटों के 1,00,000 पार करूंगा मैं। तो ये थे हमारे साथ हाजी दिलशाद शौकत जो कि शहर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि सरकार भी इन्हीं की आएगी और ये अपनी विधानसभा पर 1,00,000 वोटों से जीत दर्ज कराएंगे, लेकिन देखना होगा चुनाव परिणाम आने के बाद किस तरह की स्थिति सामने आती है। अपने सहयोगी अनमोल गर्ग के साथ मैं मनोज चौहान, न्यूज़ इंडिया मेरठ।